अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? मैं भी ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अमीन के पेपर्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से उसको फ्री कर दिया कॉलेज वालों ने। अब चले लेट थे तो गए मज़े खा रहे हैं बैंगन के साथ रोटी। मैंने रात बनाए थे आलू बैंगन, जो अब ये बचा हुआ साला ना सच्चाई पड़ी है। मैं रात की रोटी को हल्का सा घी लगा के वो गर्म किया है, और साथ हम बैठे हैं जी पॉलर में, क्योंकि हमारा बाहर का पंखा हो गया ख़राब। और बस घर आज या कल कंफर्म हो जाएगा, फिर मैं घर भी दिखाऊंगी और आपको शिफ्टिंग भी दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, कि हम शिफ्ट कैसे कर रहे हैं। पॉलर में ही हम बैठे हैं क्योंकि यहाँ निचला पोर्शन जरा ठंडा है और ऊपर बहुत 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 गर्मी है, इसलिए हम ये बच्चे बैठे इधर पढ़ रहे हैं। ये साथ वाला रूम है और यहाँ लाइट ऑफ करके बैठे हैं, साथ वाले कमरे की लाइट ऑफ है। और बस एक घर देखा है, बस यही है कि कन्फर्म हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने दुआएं की। मेरे जेठ का बेटा घर आ गया खुद ही वापस, माशाल्लाह आ गया, मिल गया हमें, अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है। और बस घर का भी देख लिया है घर, अब वो कंफर्म होना बाकी है, आज या कल वो कंफर्म होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मैं बना रही हूँ जी आज माश की दाल, साथ रखी है चाय। परोने आके हमारे घर से जा चुके हैं खाली समोसे खा के, क्योंकि ना गैस थी ना पानी था। अब माशाल्लाह से गैस आ गई है और पानी हमने लोगों के घरों से पार लिया है। और बस अब हम ये कह रहे हैं हमारी कोई बात नहीं, ये जहाँ इतनी मुश्किल देखिए, मुश्किल के बाद आसानी है ना, बस आसानी भी आने वाली है इंशाल्लाह। दाल का मसाला एज़ यूजल वही प्याज भुना है, लहसुन अदरक हरी मिर्चें और एक टमाटर डाल के अब ये जी मसाला भुना जा रहा है। इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल दी है और सूखा धनिया भी डाला थोड़ा सा मैंने अभी, ताकि ये इसमें अदरक का पीस रह गया, लेकिन इट्स ओके। अब इसको भून के फिर इसमें हम डालेंगे माश की दाल। कहवा उबलने लग गया, अब हम इसमें डालें दूध और चाय पिए, कोई दिमाग दुरुस्त हो, टेंशन ही टेंशन। आ हा हा, स्वाद आ रहा है।